नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना किचन रेसिपी एंड ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। तो नवरात्रि चल रहे हैं, आज है नवरात्र का 8वां दिन। काफ़ी लोग व्रत उपवास सकते हैं, 9 दिनों का उपवास सकते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि नवरात्र व्रत के दौरान आप टमाटर खा सकते हैं? देखिए, व्रत और उपवास दोनों में बहुत फर्क होता है। व्रत में आप एक समय अन्न खाते हैं, एक समय भोजन करते हैं, लेकिन जो उपवास होता है उसके अंदर एक समय फलाहार किया जाता है। काफ़ी लोग तो दूध के ऊपर करते हैं, काफ़ी चाय के ऊपर करते हैं, कोई जूस के ऊपर करता है, और काफ़ी लोग होते हैं जो फल फ्रूट पर करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हो, काफ़ी लोग होते हैं जो फलाहार बनाते हैं। तो फलाहार के दौरान जब आप बनाते हैं, सागर बनाते हैं या फिर कुछ भी बनाते हैं, तो उसके दौरान आप टमाटर खा सकते हैं या नहीं खा सकते। तो नवरात्र व्रत के दौरान टमाटर बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि टमाटर के जो बीज हैं वो पसे नहीं हैं। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें।